हिमाचल प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन की 29वीं एक दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक मीट प्रतियोगिता का आयोजन धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 14 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के युवक व युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते खेल गतिविधियां पूरी तरह से बंद थी और एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश भर में एथलेटिक की खेल प्रतिभाओं की खोज की जा रही है, जिनका चयन कर इन खिलाड़ियों को कैंप में ट्रेनिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि सरकार द्वारा एक सप्ताह के भीतर नई स्पोर्ट्स पॉलिसी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के भीतर एथलेटिक का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है और सरकार इंडिविजुअल खेलों पर अधिक फोकस कर रही है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 12 एकेडमियों को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें एथलेटिक के 3-4 जगहों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के भीतर सभी खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जी, आज ही शुरू और आज ही खत्म होगा। इसमें बेसिकली टीम्स का ट्रायल है और टीम्स के अच्छे प्लेयर्स को छांटा जाएगा जिनको आगे नेशनल्स के लिए भेजना है। तो ये पूरा प्रक्रिया एक दिन का ही है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी 8-10 महीने से काम बंद पड़ा हुआ था। यहाँ जो नया टैलेंट हमारा हिमाचल प्रदेश के एथलेटिक्स में है, उसके बारे में आज एक ओपन मीट हो रही है। इसके बाद यहीं से आज ही जो है सारी टीम्स फाइनलाइज कर दी जाएंगी, जो बेस्ट प्लेयर्स है छांट ली जाएंगे और उनको फिर आगे कैंप लगा के तैयारी की जाए। आपको सबको पता ही कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी 2000 दिन में आने वाली है, उसमें हम पूरा डिटेल में स्पेल करने वाले हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। और एथलेटिक्स का लिए एक बहुत बड़ा रोल जो है आने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी में हमने रखा है, और इंडिजिनियस गेम्स के ऊपर हम काफ़ी एम्फोसिस कर रहे हैं। 12 एकेडमीज को लॉन्च करने का हम एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, उसमें एथलेटिक्स के लिए हमने 2-3 जगह चयन की है। परसों चौथ जब मैं इलेक्शन पूरी अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी स्पेल आउट करूँगा, उसमें विस्तार से आपको बताएंगे।